हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। दोस्तों बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने दो टमाटर काट लिए हैं और दो प्याज, दो हरी मिर्ची और ये थोड़ा लहसुन लिया है और ये एक बैंगन लिया है हमने। इसको सबसे पहले हमें जो है गैस के ऊपर सेकना है भरता बनाने के लिए। और ये हमने जो है मसाले लिए हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मेथी ली है और ये जो साबुत धनिया भी लिया है थोड़ा सा। ये चीज़ें जो है हम इसके अंदर यूज़ में लेने वाले हैं। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। देखिए गैस को स्टार्ट कर लिया है और इसके ऊपर बैंगन को रख देंगे। सबसे पहले बैंगन को जो है सेक लेना है हमें अच्छे से। देखिए बैंगन को जो है मीडियम फ्लेम पर गैस को रखकर अच्छे से सेकना है। ये देखिए धीरे धीरे जो बैंगन है वो सिक रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से सेकना है बैंगन को। इसे बार बार में जो है दोनों साइड से घुमाते रहेंगे, पूरी तरीके से सेकना है चारों तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, धीमी आंच के अंदर जो है हमने बैंगन को सेक लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब इस बैंगन को बिल्कुल जो है ठंडा कर हमें छील लेना है ऊपर से। तो इसे 4 से 5 मिनट तक जो है हम ठंडा करेंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन को हमने जो है छील लिया है और अब इसको काट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से चाकू से बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है बैंगन। ये देखिए अब इसे इस तरीके से जो है काट लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन को बिल्कुल अच्छे से बारीक काट लिया हमने। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम लहसुन प्याज और हरी मिर्ची का जो है पेस्ट बना लेंगे मिक्सर के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सर के अंदर हमने डाल दिया है और अब इसका जो है पेस्ट बना लेना है हमें। अब हमने गैस के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है और इसके अंदर अब तेल डाल देंगे। ये देखिए तेल डाल दिया है और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को बीच में मिस ना करें दोस्तों। और ये देखिए बिल्कुल पेस्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है और अब तेल भी लगभग गर्म हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ी सी डालेंगे हींग। देखिए हींग डाल दी है। अब डालेंगे थोड़ा तेज पत्ता। ये देखिए तेज पत्ता भी डाल दिया हमने। अब इसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च की जो हमने ग्रेवी बनाई है वो डालेंगे। ये देखिए हमने पेस्ट डाल दिया है और पेस्ट को बिल्कुल जो है थोड़ा ब्राउन होने तक तेल के अंदर पकाना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पकाना है पेस्ट को। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे नमक। देखिए नमक डाल दिया है और अब डालेंगे हल्दी पाउडर। ये देखिए हल्दी पाउडर भी डाल दिया इसके अंदर हमने। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और ये थोड़ा धनिया डाल दिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस मिक्सर को हम 3 से 4 मिनट तक जो है बिल्कुल अच्छे से पकाना है। अब हमें इसके अंदर जो है बैंगन डालने हैं, जो बैंगन हमने काट रखा है। ये देखिए
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी के अंदर। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स बैंगन का भरता जो है वो बनकर एकदम से तैयार हो चुका, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता बन चुका है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।